Hello and welcome, my lovely students. I, Inspector Vidi, welcome you all at Adda 247, the Students Heaven. So, friends, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा और बहुत ही स्वीट टॉपिक लेने आया हूँ और ये टॉपिक है आपका अदर के और अदर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. जानते हो गाइज, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैंने अपनी ग्रामर गन में इंक्लूड किया हुआ है. मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरह से अपने कंसेप्ट दे दूँ ताकि वो अगर कहीं ऑटो में भी जा रहे हैं, बैठे भी हुए हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं, लेटे हुए हैं, बस आराम से 15-20 मिनट तक मेरे इन वीडियोज़ को देख ले और उनका दिमाग में कंसेप्ट जो है वो अच्छे से आ जाए. राइट गाइज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अदर में और अदर्स में इंग्लिश लैंग्वेज में फ़र्क क्या होता है. कभी भी आप कोई एग्ज़ाम दे लेना गाइज, आप बैंक का देखना, आप CDS देखना, SSC देखना, आपको ये इस तरह के कंसेप्ट जरूर मिलेंगे और ये तो इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेप्ट हैं. कहीं पे भी आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो यार, इसमें कोई SSC और बैंक की कोई बातें नहीं है. राइट गाइज, चलो मैं आपसे अगर पूछूं कि अदर होता क्या है, क्या ये नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, क्या ये प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ तो आप लोग मुझे क्या बताओगे? यस बताओ, कोई बताएगा? ना तो ये नाउन होता है ना ये प्रोनाउन होता है. तो अदर होता क्या है? अदर एक एडजेक्टिव होता है. आपको मैंने बताया ना, दुश्मन को मारने से पहले दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी होता है. अगर आपने अपने सेंटेंस में उन एरर्स को पहचान लिया तो टक 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 फिर आप उसको आराम से मार दोगे, नहीं तो फिर आप तुक्के लगाते रहोगे. समझ में आया ना? अगर आपको पता रहेगा आज के बाद कि ये अदर जो है ये हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, कभी गलती होगा नहीं आपसे. देखिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं. तो अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अदर को एज एडजेक्टिव. अदर को एज एडजेक्टिव. देखो अगर मैं बोलूं द अदर पेन राइट्स वेल, अगर मैं आपको ये बात बोलूं द अदर पेन राइट्स वेल, यहां पे देखिए क्या है, ये पेन क्या होता है? नाउन होता है. समझ में आया ना? अदर क्या हो गया? एक आपका एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया. आई होप यू गॉट द पॉइंट. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. और इसकी एक और बहुत खूबसूरती होती है, ये ऐसे भी यूज हो सकता है, द अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब. आई होप यू गॉट द पॉइंट. बस यार ये काम हो गया आपका, और कुछ करना ही नहीं था. सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, अदर क्या काम करेगा? एक एडजेक्टिव का काम कर देगा. ये वाला एडजेक्टिव जो होता है ये अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसा आया? सिंगुलर आया. अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा आया? देखिए प्लूरल आ गया, काम खत्म. लाइए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए ना, द अदर फ्लावर्स आर फ्रेश, द अदर फ्लावर्स आर फ्रेश. ये फ्लावर्स क्या हो गए? नाउन हो गए. अदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. वो जो दूसरे जो फूल रखे हुए हैं वो बड़े साफ हैं यार. आप आई होप आपने इसको यूज़ किया. ना तो ये प्रोनाउन की तरह यूज़ होता है ना नाउन होता ही नहीं है, ये क्या यूज़ होता है? एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है. आई थिंक आपको अदर का कंसेप्ट समझ में आया. आइए जरा आप अदर देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि अदर्स क्या होता है, क्या ये एक एडजेक्टिव होता है, क्या ये एक नाउन का काम करता है, आप बताओगे मुझे? ना तो ये एडजेक्टिव होता ना ये नाउन का काम करता. फिर ये क्या होता है सर? ये होता है आपका प्रोनाउन. ये क्या होता है? प्रोनाउन. अगर मैं आपको अब एक सेंटेंस लिख के दिखाऊं गाइज, तो आप मुझे बताना कि वहां पे अदर आएगा कि अदर्स आएगा. लेट अस सी. देखिए, I have got, मुझे मिल चुका है या मुझे पता लग चुका है, one lot. ये lot का मतलब है यहाँ पे बंडल, गट्ठा, एक गट्ठा, one lot of books. एक बुक्स का एक बंडल जो है वो मुझे मिल चुका है, one lot of books. Where are the other? Where are
the others. Simple. I have got one lot of books. Where are the other? The others. बताइए क्या आएगा? Where are the others? क्यों? क्योंकि अपने आप में जो pronoun होता है, वही तो sentence में अकेला खड़ा हो सकता है. Adjective कभी एक sentence में अकेला खड़ा हो सकता है क्या? कभी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता. इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा. क्या आएगा? Others. I hope you got the point. Clear है कि नहीं है? मैं बोलूँ, others are happy. ये तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ? Other are happy. Adjective कैसे subject बन सकता है भाई? Is it clear or not? Others हो सकता है. In general बताना चाह रहा हूँ, जो other होता है, वो हमेशा एक adjective होता है. जो others होता है, वो क्या होता है? एक pronoun होता है. ये एक छोटा सा difference है इन दोनों में. I hope you got the point. Clear है? इनके अलावा एक छोटा सा word होता है, जिसको हम बोलते हैं ये, अनदर. इज इट क्लियर? अनदर. अनदर का मतलब क्या होता है? एन एडिशनल वन. एन एडिशनल वन, एक एक्स्ट्रा. एडिशनल वन, अनदर, दूसरा. इज इट क्लियर और नॉट? इसको अनदर बोलते हैं. मुझे बताएगा कोई ये क्या होता है? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, वो यार काट देते हैं. ये प्रोनाउन होता है के एडजेक्टिव होता है. जो भी बताएगा उसको मैं एक गिफ्ट दूंगा. हाँ, गिफ्ट दे सकता हूँ क्या? लेट अस सी. यस, जल्दी से बताइए. अनदर जो है वो एक प्रोनाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है? जल्दी बताइए. मैं बताऊँ, वो प्रोनाउन भी होता है, वो एडजेक्टिव भी होता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अगर अनदर कभी जिंदगी में आ गया, हमेशा और हमेशा ये क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा. क्या लेगा? अनदर अगर कभी सेंटेंस में आ गया तो हमेशा क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा. एडजेक्टिव में जैसे अनदर पेन राइट्स वेल. पेन क्या हो गया? नाउन हो गया. अनदर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. देखिए ना, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब. Another pen writes well. Another one is good. ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते. Another is good. मतलब मैं उसको एक adjective की तरह इस्तेमाल ना करके एक किसकी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ? एक pronoun की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ. Another is good. आप ऐसे बोल सकते हो. Is it clear? एक बात और सुन लीजिए. कई बार आप ऐसे लगाते हो, an other boy. क्या ये हो सकता है? अच्छा बताना, ए अदर बॉय होगा या एन अदर बॉय होगा? जल्दी से बताइए. दोनों में से कोई भी नहीं होगा. ये एन और अदर जो है, अरे यही मिलके तो अनदर बना हुआ है. इज इट क्लियर और नॉट? तो एन अदर नाम से कभी कोई वर्ड नहीं होता. आप ये कंफ्यूजन मत रखिए. या तो अनदर होता है, या अदर होता है, या अदर्स होता है. एक बार रिपीट कर दूं, जो अदर होता है वो हमेशा एक एडजेक्टिव होता है. सिंगुलर नाउन के साथ भी आएगा और प्लूरल नाउन के साथ भी आएगा. जो अदर्स होता है वो सिर्फ एक प्रोनाउन होता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. और जो अनदर होता है वो आपका प्रोनाउन भी होता है और वो आपका एडजेक्टिव भी होता है. बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं फ्रेंड्स. इंग्लिश लैंग्वेज को इतना कर लीजिए. इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइज, मेरी जो अर्निंग है वो सिर्फ एक आपका एक लाइक है. आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. जितना हो सके रिमोट एरिया में उन बच्चों को पहुंचाइए. जो बच्चा हमारा यहाँ पर मेट्रो सिटी में नहीं आ सकता, उस बच्चे को घर जाके हमें पढ़ाना है, तो आपकी मुझे हेल्प चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर लाइकिंग दिस वीडियो. जय हिंद.